चींटी बेबी बर्ड कहाँ आ गया? कहाँ? तुम्हारे सर पे। यू लव बेबी बर्ड एंड बेबी बर्ड लव्स यू। देखो इसलिए तुम्हारे ऊपर बैठ गई बेटा। तुम मूर्ति की तरह क्यों बन गई हो? इट इज सो मच फन। नहीं करो वैसे, नहीं करो बेटा। तो ये बेबी बर्ड छोटी सी शैतान पहले अपने कमरे से निकल के आई और चींटी के सर पे बैठ गई। अब चींटी के सर से फुदक के आ ओ मम्मा के सर पे बैठ गई, है ना बेटा? बेबी बर्ड बहुत लड्डू होती है ना मेरी बेबी चींटी। ओ ओ इट इज सो मच फन। ओ नाखून तो, अरे नाखून पे, अरे बेटा रुक रुक, मैं पकड़ी बेटा, नहीं चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बेबी बहुत छोटी है। ये बहुत ही ज्यादा लड्डो हो रही है, कुछ ज्यादा ही। अपने कमरे से भाग भाग के इस कमरे में आ जाती है चींटी। यू लव बेबी बर्ड। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लड्डो हो रही है। तो हमारी जो बेबी बर्ड है, ओ इसको पूरे हमने इसको संडे को निकाला था नाली से। लग रहा है मैं इसे खाना खिलाऊंगी, मामा हूँ इसकी। तो हाँ इसे पूरे 2 वीक्स पूरे हो गए आज, है ना बेटा? पूरे 2 वीक्स हो गए और थोड़ी बड़ी सी भी हो गई है। आप देख सकते हैं थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़े पंख आ गए हैं। हाँ वन बेबी चिड़िया, अब बाल बाल भी बनाने लगी है। और अच्छी बात ये है कि ये थोड़ा थोड़ा अब जमीन में कुछ अगर गिरा होता है तो उसे खाना भी सीखना शुरू कर रही है। ओह माय गॉड बेबी चिड़िया। तो हम होप कर रहे हैं कि एक आध महीने में ये शायद उससे पहले ही रेडी हो जाए उड़ने के लिए। छोटे छोटे फ्लाइट्स तो लेती है, शॉर्ट फ्लाइट उड़ के आ गई है हमारे ऊपर। आ जाओ तो मम्मा के पास बैठो, सिट हियर। तो ये मेरी लड्डो है चींटी और ये मेरी लड्डो बेबी बर्ड, दो बच्चे मेरे। तीन कैसे? तीन कैसे? तीन कैसे? तीन बच्चे? तीन तीन कैसे? काउंट तो करके बताओ। हाँ बेटा मैं बेबी थोड़ी ना हूँ, मैं तो मम्मा हूँ ना, तुम दोनों की आओ। तो आजकल ये बहुत मजे कर रही है बेबी चिड़िया। अरे भाई मैं मुंह से थोड़ी ना खाना निकाल के दूंगी, मैं तुम्हें ऐसे ही खिलाऊंगी बेटा, आराम से आराम आराम नानू से। हाँ बेबी चाहिए। हाँ ओ ओ ओ ओ।